ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हम लोगों को गाड़ी बिना चलता नहीं, और गाड़ी का ये फ्लैक्चुएट जो हर सुबह पेपर देखने पड़ता है, नहीं तो टीवी में देखने पड़ता है आज रेट कितना है, उसी हिसाब से गाड़ी निकालने पड़ता है। एक एक दिन में अगर 2 रुपया 3 रुपया करके बढ़ जाएगा तो गाड़ी चलाना ही बंद कर देके ओला उबेर में ही चलने पड़ेगा। ये बता रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। कांग्रेस शासन में जब पेट्रोल का दाम थोड़ा बढ़ता था तो ये लोग स्मृति ईरानी और अरुण जेटली सब लोग आगे खड़े हो जाते थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। अब डेली डेली पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और इतने चुपके से पेट्रोल का दाम बढ़ा देते हैं कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करते देते हैं और पेट्रोल का दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, किसी को पता नहीं लग पाता है। ये गलत हो रहा है ना, बहुत तेजी से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जी पब्लिक को बहुत दिक्कत है भाई साहब, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, अब पेट्रोल का डीजल का दाम भी बढ़ा होगा है, तो इसमें किराया भी बढ़ेगा, टेम्पो ऑटो ये लोग अपना बढ़ाएंगे, पब्लिक कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो पब्लिक ही जानती है। अरे सर रेट का ना पूछिए, कभी 60 रुपए में हो जाता है, कभी 70 में हो जाता है, कभी 74 में हो जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है रात में क्या हो रहा है। सवेरे आते हैं ये हो जाता है, पेट्रोल बढ़ जाता है, अब किसी के जेब में आदमी के पास पैसा है नहीं है, वो चला जा रहा अपने रास्ते में, तेल खत्म हो गया, अब उसके बाद 30 रुपए पड़े तो ले, जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता आदमी। अरे आम पब्लिक को दिक्कतें बहुत होती हैं, जहाँ तक कि अगर इतना ही पेट्रोल के दाम पड़े तो हम लोग मिस्ट्री बना के अपने कॉलेज चले जाए, महीने का पहला गाड़ी क्यों चलाएं यहाँ पे। काफी रेट बढ़ रहा है, इसके पहले से मतलब 69-70 का अराउंड था। डेली वालों को तो काफी प्रॉब्लम हो रही होगी ना, डेली का पेट्रोल डलाना 100-200 रुपए का, मतलब अपने लोग बजट के हिसाब से चलते हैं तो काफी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा रेट हो गए हैं।